मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के पीछे का मकसद ये था कि आप लोगों के पास में जो ये सेंसिटिव केस आया हुआ है, बुल्ली भाई, आप लोगों को इस केस के बारे में काफी ज्यादा मालूमात है, लेकिन ये केस क्या है और उसका इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या हुआ है, इसके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक आए और काफी रूमर्स प्रेस में, मीडिया में काफी रूमर्स भी चल रहे थे, तो उसका भी खंडन हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप लोगों को मालूम है कि बुल्लीमारी नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे, उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में बुल्ली भाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बैंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयंक रावत नाम का, उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहां पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुल्ली भाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूं, काफी डाउट्स होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स इस केस के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है उसे डायरेक्टली अफेक्ट होगा और जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चूंकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेट पे है, तो आरोपी को अलर्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो
इन्वेस्टिगेशन का जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय न कर पाए। इसलिए काफी ज्यादा डिटेल्स हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं दे पाएंगे, सो काइंडली बियर विद अस। कुछ स्टेट से जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जहां से हमने आरोपितों को पकड़ा है, वहां की लोकल पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं जो हमारे दृष्टि से योग्य नहीं था, क्योंकि जिस केस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके पास में एफआईआर नहीं है, उसके बारे में जनरली कोई लोकल पुलिस जनरली बात नहीं करते हैं। सो आई विल अनलेस इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट, मैं आप लोगों से और साथ में ही नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें ट्विटर हैंडल्स मेंशन है, उसमें कुछ ईमेल्स मेंशन है, तो इंटरनेट पे जो भी हमारे नागरिक है जिनको इन लोगों के बारे में कुछ भी पता होगा, कुछ भी डिटेल इंफॉर्मेशन वो दे सकेंगे, तो हमें वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अभी आपका सवाल का जवाब दूंगा।
कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है, अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सर। I will not say anything about any police unit, neither I want to confirm nor I want to deny anything. Please don't ask me for any confirmation for anything. एक बोला। That is matter of investigation. We are putting it here.